हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों हर महीने की तरह इस महीने भी हम चर्चा करेंगे निफ्टी से हम क्या उम्मीद करें। ये पूरा सेशन दोस्तों डिवाइड किया गया है तीन अलग अलग पार्ट में। पार्ट वन में हम लोग बात करेंगे निफ्टी रिलेटेड स्पेसिफिकली, पिछले महीने क्या हुआ और अब इस महीने दोस्तों क्या उम्मीद करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों उसी पार्ट में हम कुछ दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे कौन आउट परफॉर्म करेगा। दोस्तों पार्ट टू में हम निफ्टी के फेयर वैल्यूएशंस को इकोनॉमी के साथ जोड़ के दोस्तों डिस्कस करेंगे। इसे हमने अलग पार्ट में इसलिए किया है ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो पहले निफ्टी, फिर निफ्टी के फेयर वैल्यूएशंस और थर्ड पार्ट में निफ्टी के इंक्लूशंस और एक्सक्लूशंस की दोस्तों बात करेंगे। रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। सो लेट अस बिगन विद निफ्टी। दोस्तों निफ्टी इंडेक्स अभी अगर हम देखें तो पिछले महीने का क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पे आया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने हमने लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देखा। तो इंडिया जबरदस्त बुलिश है। यूएस इकोनॉमी डाउ जोन्स जिनका इंडेक्स, जहां पे हमने कुछ कूल ऑफ देखा था, रिकवरी भी अच्छी देखी, पर अभी जब भारतीय बाजार लाइफ टाइम हाई पे है, डाउ जोन्स तीन महीने से करेक्शन मोड में है। हालांकि इसे हम गिरावा भी नहीं कहेंगे, रैली मोड में भी नहीं कहेंगे। दोस्तों चाइनीज मार्केट शंघाई 201 महीने से अभी भी करेक्शन में है, उन्होंने नया लाइफ टाइम हाई नहीं देखा है। दोस्तों जापान का निकी 409 महीने के एक लंबे करेक्शन के बाद वही पुराने हाई से आगे निकला है। जर्मनी मार्केट 4 महीने से करेक्शन में है, ये भी हम लाइफ टाइम हाई तो कहेंगे ही। डाउ जोन्स और जर्मनी दोनों लाइफ टाइम हाई, जापान लाइफ टाइम हाई, पर डेक्स 4 महीने से करेक्शन, डाउ जोन्स 3 महीने से करेक्शन। दोस्तों यूके का फिटसे लाइफ टाइम हाई पे है, हाल है कि उसके चलने की गति बड़ी धीमी। तो दोस्तों जब हमने भारत को वर्ल्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर किया, हमसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ और हमारे जितनी इकोनॉमीज के साथ, तो इतना क्लियर होता है कि दोस्तों भारतीय बाजार सबसे ज्यादा तेजी में है। तो अब हम दोस्तों भारतीय बाजार का निफ्टी में पिछले महीने हमने क्या चर्चा की थी इस पे बात करें। सो व्हाट वी डिस्कस्ड इन जॉयफुल जून, निफ्टी वाज 22531। दोस्तों 7 महीने से हमने नया लो नहीं देखा था, हम हायर हाई हायर लो बनाते जा रहे थे, पर इलेक्शन के नतीजे जो 4 तारीख को डिक्लेयर होने वाले थे उससे हाई वॉलेटिलिटी दोस्तों एक्सपेक्टेड। तो हमने आपसे प्रीवियस मंथ का लो 21821 ट्रैक करने को बोला था, क्योंकि हम लो नहीं लगा रहे हैं 7 महीनों से। दोस्तों 7 महीने की ये तेजी 8वें महीने भी कंटिन्यू रह सकती है और हम पॉजिटिव बायस देख सकते हैं 23154 की ओर, जो कि एक नया लाइफ टाइम हाई होगा। 23777 सेकंड टारगेट। जी हाँ दोस्तों, अगर 23777 आता है तो इस साल का हमने जो 23413 का टारगेट अनुमान लगाया था वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा एज पर ईयरली इंडाइसेस व्यू। और तीसरा टारगेट 24444। तो दोस्तों पॉजिटिव बायस के केस में ये 3 टारगेट की हमने दोस्तों पिछला महीना बात की। दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड में भी निफ्टी एंटर हो सकता है, रिजल्ट जो इलेक्शन के आएंगे उस पे दोस्तों ये डिपेंड है। अगर नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होता है तो हम कैसे माने कि बाजार नेगेटिव है? उस केस में दोस्तों जो मैंने पहले बताया, बाजार की हैबिट बिल्कुल नहीं है लोअर लो लगाने की, तो प्रीवियस मंथ का लो 21821 ट्रैक करना चाहिए। अगर वो लो तोड़ता है, वोलाटिलिटी में तोड़ सकता है, पर वो लो के नीचे क्लोज होता है तभी हम मानेंगे कि यस निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है। पर अगर दोस्तों 21821 तोड़ता है तो भी हम 21198 जो कि 200 डे की मूविंग एवरेज है वहां पे बाजार को सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। यस दोस्तों ओवरऑल बाजार नेगेटिव जाएगा कि पॉजिटिव जाएगा वो किस पे डिपेंड है, 21821 के ऊपर रहा पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू, 21821 के नीचे रहता है तो हमें स्टांस को पॉजिटिव से नेगेटिव मोड़ना होगा और ये डिपेंड है दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर। राइट फ्रेंड्स, तो द इम्पोर्टेंट लेवल टू ट्रैक फॉर लास्ट मंथ वॉज विच 21821। एनीवे दोस्तों गिरावट में बाय करें क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है ये ग्रोइंग है, इस रूल को दोस्तों बिल्कुल याद रखने का। नाउ दिस वॉज व्हाट वी डिस्कस लास्ट मंथ, पर दोस्तों असल में व्हाट हैपेंड इन जॉयफुल जून, निफ्टी कहां आ गया दोस्तों 24011, 24000 के दोस्तों निफ्टी पार हो गया। दोस्तों जैसा हमने पिछले महीने डिस्कस किया था, पहली ही तारीख को दोस्तों बाजार गैप अप ओपनिंग दे के 807 पॉइंट की एक बड़ी हिस्टोरिक गैप अप ओपनिंग दे के
दोस्तों सीधा नए लाइफ टाइम हाई पे चला गया। पहले ही दिन 23154 का आपका पहला टारगेट क्लियर, क्योंकि पोल के जो अनुमान थे वो स्पष्ट भाजपा की बहुमति के थे। परंतु आगे चलते चौथी तारीख पे जो इलेक्शन के नतीजे डिक्लेयर हुए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट 272 दोस्तों नहीं ला पाई, जिसके कारण हमने सिंगल डे का एक हिस्टोरिकल फॉल 1800 पॉइंट का दोस्तों देखा। हालांकि क्लोजिंग पे ये फॉल 1500 पॉइंट का रहा, लेकिन फॉल दोस्तों बड़ा वॉलेटाइल रहा, क्योंकि पहले दिन 800 पॉइंट की तेजी और चौथी तारीख को 1500 पॉइंट का दोस्तों ये फॉल। और दोस्तों जैसा हमने उम्मीद किया था, 200 दिन की मूविंग एवरेज पे ही बाजार ने सपोर्ट लिया इस वोलेटिलिटी के दरमियान। दोस्तों बाजार और गिर सकता था, बाजार नेगेटिव ट्रेंड में आ सकता था। कब इंपॉर्टेंट लेवल क्या ट्रैक करना था? 2821। दोस्तों बाजार नेगेटिव ट्रेंड में जरूर एंटर हो सकता था, लेकिन लेटर एनडीए अलियांस के साथ मिलके दोस्तों गवर्नमेंट बनाने में सफल हुई, और उसके बाद से दोस्तों तेजी की वापस से बाजार में शुरुआत। सो गवर्नमेंट बनते ही 26 जून तक दोस्तों बाजार 23777 पहुंच चुका था, जो आपका दोस्तों दूसरा टारगेट था पिछले महीने का। साथ ही दोस्तों जो ईयरली इंडाइसेस व्यू के हिसाब से जनवरी से हमने टारगेट रखे थे 23413, वो भी दोस्तों आपका क्लियर हो। दोस्तों रैली वहां पे रुकी नहीं, रैली कंटिन्यू रही 24174 तक की एक जबरदस्त रैली दोस्तों पिछले महीने हमने देखी। दोस्तों ध्यान रखे 22000 हम 15 जनवरी को पहुंचे थे, और हमको 130 दिन लगे 23000 निफ्टी पहुंचने में। ये 90 ट्रेडिंग दिन थे, पर 23 से 24000 पहुंचने में दोस्तों निफ्टी ने कितना समय लिया। दोस्तों 27 जून को 24000 पहुंचते ही खाली 23 डेज में दोस्तों 23000 से 24000 की सफर दोस्तों निफ्टी ने की, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम था। दोस्तों पिछला महीना 8वां महीना था हाईएस्ट एवर हाई का, हाईएस्ट एवर क्लोज का, पर लो दोस्तों नया लगा दिया था। तो इसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लो से जबरदस्त बाइंग आया, तो एक हैमर कैंडल बनी, जो ये सजेस्ट करती है कि लोअर लेवल से जबरदस्त बाइंग आया था पिछले महीने। ओवरऑल दोस्तों अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें, तो 20 महीने तक दोस्तों बाजार प्रीवियसली करेक्शन में रहा था। इस 20 महीने के दरमियान दोस्तों इन्फ्लेशन के कारण प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे, कंपनी के प्रॉफिट टूटे थे, और बाजार 20 महीने में 3500 पॉइंट टूटा था। ये 20 महीने का करेक्शन खत्म होने में दोस्तों अब 13 महीने हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 13 महीने से बाजार इन्फ्लेशन के बैड मूड से बाहर निकल के 5200 पॉइंट यानी 28% की दोस्तों शानदार रैली कर चुका है। तो यस दोस्तों निफ्टी में जब गिरावट आई 20 महीने में 18% गिरा, जब तेजी आई दोस्तों तो बाजार को खाली 13 महीने चाहिए थे और बाजार 28% राइज हुआ। ये ध्यान रखें दोस्तों पूरे इस समय में दोस्तों निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है वर्ल्ड की दूसरी इंडाइसेस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जोश जुलाई। निफ्टी कितना है दोस्तों? 24011। दोस्तों जोश जुलाई के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ट्रैक करने लायक, वो क्या होगा? ये ध्यान रखें कि पिछले महीने हैमर बनी है, जहां नीचे से जबरदस्त बाइंग आया है। तो जो लेवल से दोस्तों बाइंग आया है, ये लेवल पूरे महीने का नहीं बल्कि पूरे क्वार्टर का लो है। क्वार्टर भी खत्म हुआ है, हम नए क्वार्टर क्वार्टर टू में एंटर हो चुके हैं। तो अब इस क्वार्टर टू में, खाली ये महीने में नहीं, पूरे क्वार्टर टू में हम 21821 दोस्तों ट्रैक करेंगे, जो कि इलेक्शन के समय का दोस्तों लोएस्ट लेवल है, जहां से ह्यूज बाइंग आया। राइट फ्रेंड्स, तो अपने डायरी में लिख दीजिए 21281। ये 3 महीने के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ट्रैक करने के लायक। दोस्तों पॉजिटिव बायस 9वें महीने भी कंटिन्यू रह सकता है, और हमारा पहला टारगेट जुलाई का होगा 25029। सो 25029 का जो फर्स्ट टारगेट है, ये ध्यान रखें कि ईयरली इंडेक्सेस व्यू का जो हमारा टारगेट था 25094, इससे बहुत करीब होगा। तो 25029 को पहले टारगेट की ओर ध्यान रखें इस महीने, और नेक्स्ट इवन 27921 बाजार आने वाले समय में दोस्तों जा सकता है। पर ये तो हुई पॉजिटिव बात है। दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड में कुछ भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो और बाजार नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो गया तो क्या? तो दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड में बाजार तो ही एंटर होगा अगर हम 21281 तोड़ के नीचे जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो 21281 को नोट करके रखो,
ये टूटता है तो ही जो 25,029 का जो आपका टारगेट है वो पेंडिंग रह सकता है, नहीं तो कंटिन्यू दोस्तों रैली हम लोग देख रहे हैं। एनीवे दोस्तों, पूरे महीने के दरमियान जब भी गिरावट आती है प्रीवियस मंथ के लो की तरफ 20 यानी 22,200 से लेकर 21,281 की रेंज में जब भी बाजार आता है, ये मैं बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा दोस्तों बाइंग की। सो ये रूल को याद रखिए, बाय ड्यूरिंग फॉल टू एंजॉय द रैली। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। हम निफ्टी के पॉजिटिव इंडेक्स भी देख ले दोस्तों। निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी 100, 200, 500 भी दोस्तों इसके साथ बुल बीच रह सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप ऑल्सो इन बुल मोड, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑटो इन बुल मोड, कंजप्शन फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी आईटी हैज अगेन केम इनटू बुल मोड, एमएनसी क्वालिटी 20 वैल्यू 20 इंडेक्स आर इन बुल मोड, फार्मा प्राइवेट बैंक रियल्टी एंड सर्विस सेक्टर, ये सारे दोस्तों इंडेक्स बुलिश मोड में रह सकते हैं अगर मेन इंडेक्स निफ्टी बुल मोड में रहता है तो। राइट फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक का क्या, निफ्टी बैंक 52,000 दोस्तों आ चुकी है। दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रह सकता है और हम टारगेट ध्यान में रखेंगे 54,989, 57,638 और 62,000 की ओर निफ्टी बैंक दोस्तों कूच कर सकती है। दोस्तों 46,000 के ऊपर निफ्टी बैंक है, पॉजिटिव ट्रेंड उम्मीद करें, नेगेटिव ट्रेंड तो ही होगी अगर 46,000 के नीचे जाता है। क्रूड दोस्तों 82 है, 72 का लेवल ध्यान में रखें, 72 बहुत अच्छा सपोर्ट है, 72 का सपोर्ट लेके क्रूड 86 की ओर आगे बढ़ सकता है। दोस्तों बिटकॉइन है 62,754। दोस्तों बिटकॉइन के लिए 56,645 के लेवल को ध्यान में रखें, 56,600 के करीब दोस्तों एक अच्छा सपोर्टिव एटम बिटकॉइन बता सकता है। रिफाइंड गोल्ड इज 71,582। दोस्तों गोल्ड दो तीन महीने करेक्शन रह के 68,000 की ओर दोस्तों आ सकता है, अगर 77,50 के नीचे जाता है, 77,50 पकड़ के रखता है तो आपका जो पुराना टेनर पेंडिंग टारगेट 74,000 का है उसकी ओर दोस्तों गोल्ड प्रयाण करेगा। दोस्तों रियल जीडीपी ग्रोथ आप देख सकते हो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, जितनी भी एजेंसीज है वर्ल्ड बैंक IMF उन्होंने जितना अनुमान बताया था उनके अनुमानों से इंडिया का जीडीपी काफी बेहतर रहा 8.2% में। दोस्तों इस साल का अनुमान भी दोस्तों जीडीपी का 7.2% का है जो इम्प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करो दोस्तों तो वर्ल्ड में कोई ऐसी मेजर इकोनॉमी नहीं है जो इंडिया जैसा ग्रोथ रखती है। सो इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों इन्फ्लेशन आप देख रहे हो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे है जो आपकी कंपनीज के प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है, आपके डिविडेंड्स को बढ़ा रहा है और इसी से दोस्तों तेजी बाजार को दोस्तों मिल रही है। डिमांड यानी जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ है तो प्रॉफिट आपके राइज है। दोस्तों इतना बाजार चला है तो अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बाजार बहुत महंगा तो नहीं है, क्योंकि बाजार पिछले 12 महीने में ही दोस्तों 28% तो चल चुका है 13 महीने में, तो अभी बाजार के क्या हाल है। हम अगर निफ्टी 50 की कंपनीज देखें तो उनके जो सेल्स ग्रोथ है कंपनियों वो 7.4% है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग 33% से बड़ी है। दोस्तों इतनी तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स आपके बाजार को दोस्तों पकड़ दे रहे हैं, इसीलिए 28% निफ्टी बढ़ने के बावजूद भी आपका निफ्टी का पीई खाली 23 है, 23.6। तो 23.6 का ये पी 30% के प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा महंगा है, पर अगर यही चीज में मिड कैप के केस में देखो तो मिड कैप के प्रॉफिट 17% से बड़े हैं और उनका पी 42 पे है, तो मिड कैप के वैल्यूएशन दोस्तों हाई है ये मानना। स्मॉल कैप के प्रॉफिट 29% से बड़े, पीई 26 है, तो स्मॉल कैप के केस में दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाई वैल्यूएशन बराबर है। सो इन तीनों के ग्रोथ को अगर मैं पीई से कंपेयर करूं, पैग रेशियो देखूं, तो निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप का पैग रेशियो फेवरेबल है, 1.0 है, हम नहीं कह सकते महंगा है। मिड कैप 3, स्मॉल कैप 2.7, तो ये दोनों थोड़े वैल्यूएशंस में हाई हुए। निफ्टी 500 1.4। अब आपके पोर्टफोलियो में क्या ज्यादा है उस पे डिपेंड करता है आपको कितनी कैश रखनी चाहिए। अगर आपके पास निफ्टी 50 की कंपनीज है तो आप कम कैश रखो, ज्यादा स्टॉक रखो तो चले, पर अगर आपके पोर्टफोलियो में पूरा मिक्स है तो थोड़ी ज्यादा कैश रखनी होगी क्योंकि सारे इंडेक्स फेवरेबल नहीं। और लेट फ्रेंड्स, तो लेट मी शो यू अबाउट निफ्टी। आप जब निफ्टी ट्रैक कर रहे हो तो निफ्टी का सेल्स ग्रोथ 7.4% है, 15% होना चाहिए, उससे कम है, ये साल अच्छा ग्रोथ रहेगा इसकी उम्मीद है। प्रॉफिट दोस्तों 15% होने चाहिए पर उसके बदले 37% है, पिछले साल इन्फ्लेशन डाउन होने की वजह से ये टिकेंगे नहीं, ये भी कूल ऑफ होके 15-20 के करीब इस साल आ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीई जो अभी 23 के करीब है, 22-23 के बीच में, ये
फेयर वैल्यूएशन 21 से थोड़ा ही महंगा है, तो इसी वजह से कोई भी फॉल में दोस्तों आपको बाइंग नजर आएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.14 है, डिविडेंड यील्ड 1.25 है, जो थोड़ी कम है क्योंकि ये फेयर वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है बाजार। और लेट्स फ्रेंड्स, तो आज हमने निफ्टी के बारे में जाना, हम अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यूटी करके इंडिया के मैक्रो अपडेट देखेंगे और फेयर वैल्यूएशन निफ्टी की जाने। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप निफ्टी से क्या उम्मीद करते हैं।